हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीमियर एसेंशियल। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप मीडिया एनकोडर को एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मीडिया एनकोडर को आफ्टर इफेक्ट्स के साथ लिंक करने के लिए दो मेथड हैं। सबसे पहले मेथड की बात करते हैं कि आप रेंडरिंग में एडोबी मीडिया एनकोडर को कैसे लिंक कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक कॉम्पोजिशन ले रखी है एंड कॉम्पोजिशन में एक वीडियो है। अब मुझे इसे एक्सपोर्ट करना है मीडिया एनकोडर में, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए सिंपली आपको फाइल पे जाना है एंड देन एक्सपोर्ट ऐड टू मीडिया एनकोडर क्यू। इस कॉम्पोजिशन को आपको मीडिया एनकोडर क्यू में ऐड करना है। सो जैसे ही आप क्लिक करेंगे देन आपके मीडिया एनकोडर ओपन हो जाएगा। मीडिया एनकोडर जब भी इंस्टॉल करें तो आप अपना आफ्टर इफेक्ट्स का वर्जन चेक कर लें एक बार, क्योंकि अगर वर्जन डिफरेंट होता है तो मीडिया एनकोडर में प्रॉब्लम आती है लिंक करने में। सो आप देख सकते हैं कि मेरे मीडिया एनकोडर में आफ्टर इफेक्ट्स की फाइल जनरेट हो चुकी है एंड देन इसमें आपको फॉर्मेट दिख जाएगा, वीडियो फॉर्मेट क्या है। देन यहाँ पे हाई क्वालिटी, आप यहाँ पे प्रीसेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा चाहिए। अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स से डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं अपनी वीडियो को, तो वो आप MOV या फिर क्विक टाइम या डिफरेंट उसमें करेंगे, आपको वहाँ पे MP4 का ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मीडिया एनकोडर की हेल्प से एक्सपोर्ट करते हैं अपनी वीडियो को, तो उसमें आपको MP4 का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसमें आप 4K में भी अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड 1080 में भी आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो लाइक मैं प्रीसेट सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन क्लिक ओके। उसके बाद आपको अपनी फाइल की लोकेशन सेलेक्ट करनी है। लाइक मैं भी अपनी फाइल की लोकेशन जैसे मैंने सेलेक्ट करी, देन उसके बाद आपको इस ग्रीन बटन पे स्टार्ट क्यू करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी वीडियो रेंडर हो रही है। यहाँ पे आपको रिमेनिंग टाइम दिखेगा। वीडियो रेंडर होने के बाद आपको यहाँ पे स्टेटस में डन लिखा आएगा एंड देन आप अपनी लोकेशन पे जाके देख सकते हैं कि आपकी जो फाइल है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। सो ये था पहला मेथड कि आप एडोबी मीडिया एनकोडर को कैसे यूज़ कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के साथ। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरे मेथड के लिए आपको मीडिया एनकोडर वाया प्रीमियर प्रो यूज़ करना होगा। मीन्स मीडिया एनकोडर को अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स में यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रीमियर प्रो की हेल्प लेनी पड़ेगी। लाइक हम प्रीमियर प्रो में जब मीडिया एनकोडर को लिंक करते हैं तो हम इंजेक्ट सेटिंग या फिर क्रिएट प्रॉक्सीज करते हैं, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो आफ्टर इफेक्ट्स में इंजेक्ट सेटिंग या फिर क्रिएट प्रॉक्सीज यूज़ करने के लिए सिंपली आपको एक चीज़ करनी है। लाइक मैंने आप देख सकते हैं कि प्रीमियर प्रो में प्रोजेक्ट बना रखा है एंड इस प्रोजेक्ट में मैंने प्रॉक्सीज क्रिएट कर रखी हैं एंड उसका प्रीसेट है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं मैंने मीडिया एनकोडर के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं कि आप प्रीमियर प्रो के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। सो आफ्टर इफेक्ट्स में यूज़ करने के लिए सिंपली आपको अपनी क्लिप पे राइट क्लिक करना है एंड देन चूज़ रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट्स कॉम्पोजिशन। इससे जो आपकी क्लिप है वो आफ्टर इफेक्ट्स में ओपन होगी एंड देन आप आफ्टर इफेक्ट्स में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, कोई भी इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपको प्रीमियर प्रो में शो होगा एंड आप मीडिया एनकोडर की हेल्प से उसे रेंडर कर पाएंगे। मीडिया एनकोडर आपके वीडियो को प्रोसेसिंग करने के लिए यूज़ हो रहा है वाया प्रीमियर प्रो। देन आप देख सकते हैं कि जैसे हमने ओके किया, हमारा एक कॉम्पोजिशन क्रिएट हो चुकी है जिसका नाम है आफ्टर इफेक्ट्स कॉम्पोजिशन लिंक कॉम्पोजिशन 2। इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। देन मान लीजिए मैं कोई भी इफेक्ट अप्लाई करता हूँ अपनी वीडियो पे, लाइक मैं डिस्टॉर्ट में जाके बल्ज इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ अपनी वीडियो। आप देख सकते हैं कि मैं अपनी वीडियो पे बल्ज इफेक्ट अप्लाई कर चुका हूँ एंड देन आपको कंट्रोल एस प्रेस करना है एंड देन आप प्रीमियर प्रो में जाकर देख सकते हैं कि हमारा बल्ज इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। अगर आपको ज़्यादा शो नहीं हो रहा है तो मैं उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर देता हूँ। लाइक अब आप देख पा रहे होंगे कि बल्ज इफेक्ट इजीली अप्लाई हो चुका है आफ्टर इफेक्ट्स में एंड देन जैसे ही आप प्रीमियर प्रो ओपन करते हैं तो प्रीमियर प्रो में ऑटोमेटिकली हमारा इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमने प्रीमियर प्रो की हेल्प से मीडिया एनकोडर को आफ्टर इफेक्ट्स के साथ लिंक किया है, ताकि जो हमारा मीडिया एनकोडर है वो हमारी वीडियो को प्रोसेसिंग करने के लिए हेल्प करे एंड जो हमारी वीडियो है वो हम इजीली एडिट कर पाएं या फिर आफ्टर इफेक्ट्स में या फिर प्रीमियर प्रो में। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दी वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें कमेंट करके। गुड बाय फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रीमियर एसेंशियल।